कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में, और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर। बदल दे किस्मत कार्यक्रम में रोजाना आप सभी के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि ज्योतिष का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आप लोगों को आपके जीवन की हकीकत से रूबरू कराता है। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग अपने जीवन की परेशानियों के बारे से अवगत हो पाते हैं, क्योंकि यही ज्योतिष का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आप लोगों को अपनी परेशानियां नहीं बतानी पड़ती, बल्कि गुरुजी आप लोगों को खुद बताते हैं कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में और अपने जीवन में परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम से एक बार जुड़े। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों पर कॉल कर आप लोग हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। गुरुजी बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। दर्शक गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़े। नंबर लगातार आप सभी की टीवी में फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज के पहले दर्शक से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार सर, मैं रेणुका बात कर रही हूँ, बुल्ढाणा महाराष्ट्र से। जी किसके बारे में जानना रेणुका जी? मेरा लड़का है, उसका नाम है प्रतीक। जी डेट ऑफ बर्थ बताए प्रतीक की। 14/12/93। टाइमिंग बताइए। सुबह के 7:15। जी बर्थ प्लेस? बुल्ढाणा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आपके पास जन्म कुंडली है अपने बेटे की? जी 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 धनु राशि है और ये बनाई है उसकी। जी जी लाइन पर रहिए, ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। जी इनकी राशि भी धनु है और लग्न भी धनु है। हाँ लग्न भी धनु है। जी धनु लग्न धनु राशि है, कुंडली बहुत अच्छी है इनका, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रखा है। लेकिन साथ साथ मैं बता दूं कि एक लग्न हाँ। कुंडली लग्न कुंडली को सिर्फ सुनेंगे आप, बोलेंगे नहीं, और अपने टीवी हाँ। का वॉल्यूम को कम कर लीजिए। जी सिर्फ एक लग्न कुंडली को देख करके ज्योतिषी नहीं होता है। इनके लग्न कुंडली में अचल लक्ष्मी योग बना हुआ है, राज योग बना हुआ है, बहुत सुंदर कुंडली है। लेकिन आप देखेंगे लग्न कुंडली के जस्ट बगल में एक नमास कुंडली होता है, क्योंकि लग्न नमास चंद्र कुंडली ये तीन तो सबके पास रहता है, बाद बाकी 24 कुंडली किसी को नहीं रहती है। तो इनके नमास कुंडली में देखेंगे चंद्रमा इनका 3 नंबर में होगा और आगे पीछे खाली है। पूरे शरीर में जितने भी अंग हैं, जितने भी सब मेरे ही हैं। चोट कहीं लगे, अंग कोई खराब हो जाए, परेशानी तो हमको ही होगा। तो सबसे पहले इनके नमास कुंडली में बन गया है केमद्रुम योग और सूर्य केतु का ग्रहण योग। तो ऐसे बच्चों को आने वाला समय में जल्दी विवाह नहीं होने देगा, विवाह की बातें बनते 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 टूट जाएगी। दूसरी बात, हम करियर की बात करते हैं तो एक कुंडली के अनुसार ऐसे बच्चे MBA करने के बाद बहुत अच्छे जॉब में आना चाहिए इनको, गवर्नमेंट जॉब का भी योग बन रखा है इसमें। लेकिन इनके दशमांश कुंडली में ही बना हुआ है केमद्रुम योग, नवमांश में और दशमांश में। दशमांश से हम देखते हैं करियर, तो दशमांश भी बना हुआ है केमद्रुम योग। तो परिस्थिति क्या करेगा, ये जॉब की तैयारी करेंगे, जॉब में नहीं निकलने देगा, जॉब में ही प्रॉब्लम करेगा, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देगा और मैरिज लाइफ तो इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। ऐसे बच्चों को विवाह होने नहीं देता है, विवाह हो गया तो चलने नहीं देता है। जबकि हम कुंडली में देख रहे हैं दशा इनकी जा रखे हैं सूर्य का, धनु लग्न की कुंडली में सूर्य की दशा किस्मत वाले को ही मिलता है, मतलब भाग्यश की दशा। लेकिन सूर्य की परिस्थिति क्या है, सूर्य इनके द्वादश घर में राहु के साथ बैठ करके बना दिया है ग्रहण योग, तो ऐसे बच्चों को भाग्य भी साथ नहीं देता है, मेहनत करते हैं लक का फेवर नहीं हो पाता है। तो इस कुंडली की जो परिस्थितियाँ हैं इनके मूल रूप से करियर को और मैरिज को दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। कुंडली होने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है और 24 कुंडली होनी चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि हम बच्चों की पढ़ाई में 10 लाख 5 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, पैसे नहीं होते, बैंक से लोन लेते हैं,
लेकिन करियर खराब जब होने लगती है तो बच्चे परेशान और माता पिता परेशान हो जाते हैं। अब थोड़े से खर्च करके इस कुंडली के ऊपर आप बच्चे का जीवन को संवार सकते हैं। बिल्कुल रेणुका जी, जैसा अभी प्रतीक के बारे में बताया गुरु जी ने, आप कहाँ तक सहमत है, आपसे हम जानना चाहेंगे। गुरु जी उसका करियर बहुत अच्छा है, उसको बहुत पैकेज अच्छे से मिला है, लेकिन इसको शादी करना है। मैरिज आपको मैंने कहा ना कि मैरिज में प्रॉब्लम करेगा, शादी इसको होने नहीं देगा। आपको अभी मैंने कहा है, आपने कहा मेरे पास कुंडली है, आप नमाज कुंडली खोल के देखिए। नमाज से हम देखते हैं वैवाहिक जीवन का। नमाज कुंडली में चंद्रमा जो है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली है। आप लाख प्रयास कर लेंगे तब भी इनको नहीं होने देगा, लगने नहीं, शादी होने नहीं देगा। आप पूरी 24 कुंडली बनवाइए और कुंडली को देखिए कि किसने लिखा है कि किमदुम योग है। खाली कुंडली बना देने से नहीं होता है, आपको ज्योतिष लोग डेट देते जाएंगे और निकलते जाएगा, निकलते जाएगा। अभी आपको पैकेज अच्छे लग रहे हैं, आने वाला समय में इनको परेशानी डाल देगा वो आपको। यह क्या है, अभी सितंबर है ना, नवंबर 20 से ही इनके समय डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। चलिए अच्छे ज्योतिष से मिलकर 24 जी और अच्छे ज्योतिष से परामर्श लीजिए, 24 कुंडली बनवाकर उपाय कीजिए, आगे वाली जो कल में परेशानी होंगी पूर्णतः से दूर हो पाएंगे। अगले कॉलर से गुरु जी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी संदीप बोल रहा हूँ। संदीप जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। किसके बारे में जानना है संदीप जी? जी मैं अपनी धर्मपत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। 26 अगस्त 1980। 26 अगस्त 1980। टाइमिंग बताइए। रात्रि 12:15 दिल्ली। 11:45 बर्थ प्लेस दिल्ली। जन्म कुंडली है संदीप जी इनकी आपके पास? हाँ जी जन्म कुंडली है जी, अभी इस समय नहीं है मेरे पास। अच्छा तो ध्यान बनी हुई है, प्रयास कीजिएगा, लाइन पे बने रहिएगा संदीप जी, सवाल मत कीजिएगा। जी वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि इनके कुंभ राशि हो रखे हैं। इनका कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रहा है क्या? नहीं जी अभी तो कुछ नहीं है जी फिलहाल। जी ये इनके छठे घर में मंगल बैठा हुआ है और इस कुंडली के अनुसार इनको सर्जरी का पूरा प्रयास करेगा। दूसरी ओर जो स्थिति बना हुआ है, दशम घर का मालिक शनि हो रहा है और शनि ऐसी स्थिति में है जो कि इनको एक अच्छी जॉब देने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर इनको यदि टाइम सही है तो कहीं ना कहीं संतान पक्ष से भी परेशानी करेगा। बच्चे हैं आपको अभी? हेलो। हाँ जी दो बेटे हैं। दो बच्चे हैं तो आप पत्नी का हाथ दिखा लीजिए, इनके टाइम कभी समय सही नहीं हो सकता है, टाइम में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि आपको जो टाइम पता है आपने मुझे दिया, मैंने उसको डाला है, इस टाइम के अनुसार ऐसी महिलाओं को संतान सुख बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि पंचम घर में शनि बैठा हुआ है, शनि मंगल में दोबारा का संबंध बना हुआ है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, पूरी स्थिति खराब है। और आप कह रहे हैं दो बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं टाइम में, हाँ टाइम में कन्फ्यूजन है। ये कुंडली वृषभ लगन से हट करके बन जाएगी मिथुन लगन की। यदि टाइम सही पता नहीं लगता है तो आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगा। अक्सर होता है कि 2 मिनट में 4 मिनट में पूरी कुंडली बदल जाती है कभी कभी, तो आप एक बार मिलने का प्रयास करें या इनके मम्मी पापा से टाइम की सही जानकारी लें कि इनका जन्म हॉस्पिटल में था या घर में था, समय एक्यूरेट है या समय में डिफरेंस है। बिल्कुल एक बार मिलने का प्रयास कीजिए, हस्तरेखा के माध्यम से भी इनके जीवन के बारे में पूरी तरह से बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं गुरु जी और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही जी। टीवी की आवाज बंद कर लीजिए, अपना नाम बताइए सर। यशवीर सिंह जी। यशवीर जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अमृतसर से कर रहा हूँ। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं सर। आपका 23/5/1961। सर एक बार दोबारा बताएं डेट ऑफ बर्थ। 23/5/1961। जी 1961। सर आपने समय 9:40 बोला है, 9:45 बोला है? एक ही बात है, जो मर्जी कर ले। एक ही बात नहीं है सर जी, 10 सेकंड में कुंडली बदल जाती है। किसने कह दिया एक ही बात है? कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि 10 सेकंड में कुंडली बदल जाती है और 5 मिनट तो बहुत चीज है। चलिए ठीक है, मैंने 9:45 डाला है। आपकी कुंडली कर्क लग्न की बन रखी है, लग्न में मंगल नीच का बैठा हुआ है, आप सावधान रहिए, कभी भी सर में चोट लगेगा, हेड इंजरी करवा देगा। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। सेकंड, आपके दूसरे घर में जहाँ से हम धन का योग देखते हैं, व्यक्ति जॉब करें या बिजनेस करें, आपके धन स्थान में चंद्र राहु का बना हुआ है ग्रहण योग।
कर्क लग्न की कुंडली में लग्न का मालिक चंद्रमा हो जाता है, जो कि राहु के साथ ग्रहण जोग लगा दिया। पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, ये कुंडली की स्थिति बनी हुई है और साथ साथ आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी देने का पूरा प्रयास कर रहा है। शुक्र उच्च का बैठा हुआ है आपके भाग्य स्थान में। कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति मिट्टी छोले तो सोना हो जाए, लेकिन आपके ग्रहण योग, कहीं केमद्रुम योग, कहीं चंडाल योग कह रहे हैं कि सोना भी छूता है तो ऐसे व्यक्ति को पीजल हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है, दशा की ओर चलते हैं। तो वर्तमान समय आपके जा रहे हैं राहु में मंगल का, तो ये जो कुंडली की स्थिति है, ये कुंडली कह रहा है कि आज नहीं 2014 से लगभग 6 वर्षों से आपकी परेशानी धीरे 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 बढ़ती जा रही है। आप एक बार पूरी 24 कुंडली बनवा दें, 24 कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवाएं, नहीं तो आपके लाइफ को पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ रहते हुए सुख नहीं होने देता है, जस नहीं मिलता है, लोगों से धोखा होता है, परेशानी ही परेशानी का योग बना हुआ है आपके। बिल्कुल यशवीर जी, जैसा अभी आपके बारे में बताया है, आप कहाँ तक सहमत हैं सर? हाँ ठीक है जी, जो बताया गुरु जी ने बिल्कुल ठीक है जी। जी सर, देखिए गुरु जी ने पूरी तरह से जो बताया सही है, तो एक बार आप अच्छे ज्योतिष से परामर्श ले लीजिए, 24 कुंडली बनवा लीजिए, आने वाला जो कल है वो भी पूरी तरह से बेहतर हो पाएगा, क्योंकि उपाय करने से ही जीवन बदलता है। लेकिन उपाय भी तभी कारगर साबित होते हैं दर्शकों, जब हमें सही तरीके से उनकी जानकारी मिले। वो तभी मिलते हैं जब अच्छे ज्योतिष के पास जाकर परामर्श लेते हैं, 24 कुंडलियां बनवाते हैं। और इस कार्यक्रम में लगातार आप लोग देख रहे हैं कि कैसे गुरु जी आप सभी को बता रहे हैं जन्म कुंडली के आधार पर कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। और जो दर्शक इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं और बाद में भी इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, तो वो लोग गुरु जी के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को सर्च करना है बदलते किस्मत आचार्य शिवानंद जी, इस नाम से आप लोगों को गुरु जी के तमाम वीडियोस YouTube पर मिल जाएंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं। और वहां पर गुरु जी बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को छोटे छोटे उपाय भी बताते रहते हैं, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे। तो नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर कॉल कीजिए और जुड़िए हमारे लाइव कार्यक्रम से। गुरु जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ जी सुषमा बोल रही हूँ जी, कैथल से, हरियाणा कैथल से। जी किसके बारे में जानना है सुषमा जी? सर मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। नाम बताएं बेटी का और डेट ऑफ बर्थ बताएं। सर बेटी का नाम कशिश है और डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1988। 4 नवंबर 1988, टाइमिंग बताइए। हाँ जी मॉर्निंग में सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे, बर्थ प्लेस कैथल हरियाणा। कैथल कशिश के, आपके पास जन्म कुंडली है मैडम? सर हाँ जी कुंडली है, बट वो उसके पास ही है ससुराल में। अच्छा अच्छा, चलिए लाइन पे बने रहिएगा, गुरुजी अभी बताएंगे। देखा जन्म कुंडली के आधार पर सवाल आप अभी मत कीजिए। जन्म कहाँ कहाँ है? कैथल। कैथल हरियाणा जी। इनकी जन्म पत्री आपके पास में नहीं है? नहीं सर जी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है इनकी और राशि हो रखे हैं सिंह राशि। सबसे पहले आप थोड़ा सा बच्चों को समझा देंगे, ये कुंडली का जोब है कि ऐसे बच्चों में इरिटेशन ज़्यादा देता है, मतलब कि छोटी छोटी बातों में ऐसे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली, लग्न का मालिक मंगल, फायर एलिमेंट अग्नि तत्व है और राशि इनके सिंह। सिंह भी जो है अग्नि, सूर्य भी अग्नि तत्व होता है, सिंह का मालिक सूर्य होता है जो अग्नि तत्व होता है। दूसरी बात, चंद्र केतु का इनका ग्रहण जोग लगा हुआ है वो इनके दसम घर में, तो ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता है। और जो सबसे मूल बातें हम देख रहे हैं, यदि टाइम सही है तो कहीं ना कहीं संतान सुख को लेकर इनको परेशानी देगा। पति पत्नी में थोड़ी बहुत मनमुटाव तो सबको होता है, लेकिन इस कुंडली में वो मनमुटाव को भी, मतलब कि पति पत्नी के संबंध को भी खराब करने का ये पूरा प्रयास कर रहा है। सूर्य भी इनका नीच का बैठा हुआ है। हम किसी को उपाय नहीं देते हैं, मेरा सीधा मानना होता है कि पूरी 24 कुंडली बनवाइए, हर कुंडली का पहले प्रॉब्लम निकले तब उपाय कीजिए। लोग रत्न पहन लेते हैं 50,000, 1,00,000, 2,00,000 का, कहते फ़ायदा नहीं करता, कहाँ से फ़ायदा करेगा। हमारे पास लोटा है, लोटा में 4 छेद है, मैंने छेद बंद किया नहीं, पानी भर दिया, पानी कहाँ से रुक पाएगा, पानी पी नहीं पाएंगे। तो इस बच्ची कुंडली बहुत बढ़िया एक और है, दूसरी ओर पूरी लाइफ को ख़राब कर रखा है। मैंने आपको बहुत बताया है कि पति पत्नी के थोड़ी संबंध में परेशानी देना, जस नहीं मिलना, संतान पक्ष से थोड़ी परेशानी होना और ऐसे बच्चों को करियर भी डिस्टर्ब करता है। कारण चंद्र केतु का ग्रहण योग बना हुआ है, लक इज नॉट फेवर अकॉर्डिंग द लेवल, भाग्य साथ नहीं देते, जस नहीं मिलता है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर इनका दशा क्या जा रहा है। तो वर्तमान समय इनके मंगल में गुरु का चल रहा है, दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। इस कुंडली में नवंबर 2018 से इनका जिंदगी का टॉप टाइम जा रहा है, फिर भी आपको ज्योतिष के यहाँ फ़ोन करना पड़ा है, जिसका कारण है अशुभ योग। इन अशुभ योग के कारण से आपके बच्चे का लाइफ खराब कर रहा है,
कुंडली होने से नहीं होता है मैडम, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालने से होता है। आप और हम या कोई व्यक्ति, हम बच्चों की शादी में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, जब उन्हीं जो परेशानी समझ में आता है, जब परेशानी बढ़ती है और ढावस्था का नौबत पहुँचा देता है, तो आप समय रहते पूरी 24 कुंडली बनवाएं और इसका निवारण करवा दें, जो बच्चे का लाइफ अच्छा हो जाए। बिल्कुल सुषमा जी, जैसा भी कशिश के बारे में गुरुजी ने बताया है, आप कहाँ तक सहमत है, आपसे जानना चाहेंगे। गुरुजी मतलब संतान का योग, जैसे बेटा नहीं है तो आपको तो मैं बता दिया ना कि संतान सुख में परेशानी है। मैडम जी इसका अर्थ में बोलना नहीं पड़ता है, ये तो 2 मिनट का टाइम है। जब आप फीस जमा करेंगे ना, हम जब 24 कुंडली बना लेंगे तो जीवन का पूरा इतिहास खोल देंगे। इनकी कुंडली ऐसी है कि जब जब इनको प्रेगनेंसी में मेल इशू ठहरेगा खराब हो जाएगा। लाइव कार्यक्रम है, यहाँ पर विशेष बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने बता रहा था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जय माता दी। जय माता दी। नाम क्या है आपका? भतीजी है जी, ज्योति रानी। ज्योति रानी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हनुमानगढ़ राजस्थान से। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 15 मार्च 1985। 15 मार्च 1985। टाइमिंग बताइए सर। 6:57 शाम के। 6:57 शाम के। बर्थ प्लेस? हनुमानगढ़ राजस्थान। इनकी जन्म कुंडली है आपके पास? जी पास में नहीं है जी। पास में नहीं, ठीक है, लाइन पे बने रहिएगा सर। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? ज्योति। नाम? ज्योति रानी। आपका क्या नाम है? हरीश कुमार। हरीश कुमार। ज्योति कौन है आपकी? भतीजी। भतीजी है। आपने एक बार हमसे और बात करी है जी। आप हमसे आज बात कर लेंगे ना, और 20 साल बाद भी फोन करेंगे तो मैं 1 सेकंड ही पकड़ लूंगा कि आपने मेरी बात की है। आपको बार बार बात करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती, लोगों को लगे, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सच्चाई से पीछे नहीं हटता। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, कैसे बच्चे को अग्नि से भय होता है, अष्टम घर मंगल का अंगारक जो बना हुआ है, और आप फीस जमा करके मिलने के बजाय बार बार फोन कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। फोन करके ना डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं, ना बीमारी ठीक हो सकता है, ना ज्योतिषी का समस्या समाधान हो सकता है, ना तो वह काला का केस का जजमेंट हो सकता है। उसके लिए आपको हर हाल में फीस जमा करना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा। मैं एक बार बता दिया हूँ, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लाइव कार्यक्रम में कम से कम इसके बारे में आप दोबारा तीसरा बार फोन नहीं करेंगे। मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। आगे बढ़िए, चलिए अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आवाज आ रही है आपको हमारी? जी थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। जी जी जी, नाम बताइए अपना। चलिए इनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, तो नंबर लगातार दर्शकों और सभी की टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर पर कॉल कर आप हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं, और जिन दर्शकों की बात हो जाती है वो दोबारा कोशिश दर्शकों मिलने की कीजिए, ना कि बार बार लाइव कार्यक्रम में फोन करके बात करने, क्योंकि एक बार जब बता दिया गया वही बार बार पूछना आप दूसरे को मौका नहीं देने देते। हाँ, उसे आप जी, आमिर जी परेशानी होती है कि बहुत लोग लाइन लगाए रहते हैं, उनका फोन लग नहीं पाता है, औरों को मौका, और जिनको पूछ लिए दोबारा फोन लगा उनका भी समय बर्बाद करते हैं। जी जी, अपना समय बर्बाद करते ही है, मेरा बर्बाद होता है, और अगला कुछ जाना चाहे तो सही समय बर्बाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप दर्शकों जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं लाइव में बात कर सकते हैं हमारे साथ, नंबर आप सभी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगले दर्शक से बात कर लेते हैं आज के। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आपका आवाज आ रही है? मेरे सिस्टर के बारे में। जी सर, सिस्टर के बारे में पूछना है सर। जी नाम बताएं आप अपना पहले। मेरा नाम सर आलमदीप है जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर पंजाब से, दीनानगर जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी बहन की। 14 जुलाई। 14 जुलाई 1992। 92। टाइमिंग बताएं सर। 2:22 सर। 2:22 दोपहर के। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस सर पठानकोट। 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 जन्म कुंडली है आपके पास अपनी बहन की? नहीं सर, नहीं अभी नहीं है। ठीक है सर। नहीं, आपने आपने बनाया है कि नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। भले बनवा लीजिए कुंडली, जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत कुंडली बननी चाहिए, और ऐसा जगह बनवाएंगे जहाँ की आपके बहन के बारे में पहले बता दें क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले आप ज्योतिष से बात कर लें, जो कोई भी ज्योतिषी से, कि इतना डेट ऑफ बर्थ टाइम है, कुंडली क्या कहता है, यदि वो सही सही बता दें, और उनको पूछ लें कि क्या आप 24 कुंडली बनाते हैं, जो 24 बनाते हैं वही बनाएं आप। ये तुला लग्न की कुंडली है, इस कुंडली में इनका ग्रहण योग लगा हुआ है, आपकी जो सिस्टर है मांगलिक है, साथ साथ इनकी जो नमास कुंडली है वहाँ पर अंगारक योग, ग्रहण योग और किंगडम योग बना हुआ है। तो जब तक पूरी 24 कुंडली नहीं बनता है, इसके निवारण नहीं होते हैं,
अब भूल के शादी मत करना, नहीं तो डाइवर्स होगा, बच्ची घर वापस आ जाएगी, सारे शादी के खर्च आपके बर्बाद चल जाएंगे और परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है, और विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। और जहाँ तक करियर की बात करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं पड़ता, हर लड़कियाँ चाहती हैं कि हमारा करियर हो, जॉब बने। तो दसम घर का मालिक चंद्रमा है, जिससे इनका ग्रहण जोग लगा दिया है, तो इनको करियर में भी प्रॉब्लम करेगा, कुछ भी करना चाहेंगी लाइफ सेट नहीं होने देगा। और मैरिज तो इनको बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखा है। सूर्य केतु का बना हुआ है ग्रहण जोग भाग्य स्थान में, लक इज नॉट फेवर अकॉर्डिंग द लेवर, ये बच्चे मेहनत तो करेंगे लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है। देखने में ऐसे बच्चे लगते हैं गुड़िया कैसा डॉल कैसा, लेकिन इनकी कुछ चल नहीं पाती और पूरा लाइफ को ये खराब कर देता है। तो आपने तो पत्री बनाई भी नहीं है, पूरी 24 कुंडली बनवाइए और 24 कुंडली बनवा करके इनका उपाय कीजिए, जो कि इनका अच्छा समय रहे और बढ़िया रहे। दूसरी बात, इनके जो समय है जनवरी 20 से इनका समय और रिवर्स शुरू हो गया है, और आप उपाय नहीं करेंगे फरवरी 25 तक समय खराब रहेगा। आने वाला 4.5 साल इनके लिए बहुत खराब समय है। तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि पूरी 24 कुंडली बनवा करके जो समस्या है समाधान करवा लें, तब आगे की कुछ सोचें। मुझे विश्वास है कि इसकी अभी शादी नहीं हुई होगी, क्योंकि ग्रह का जोगी ऐसा बना हुआ है। उपाय करके आगे बढ़े आप। बिल्कुल, जैसा आपकी बहन के बारे में भी बताया गया है, सर आप कहाँ तक सहमत है, आपसे जाना चाहेंगे? बहुत सहमत है सर, हम आपका जरूर करेंगे, जो आपने बोला है हम वैसा जरूर करेंगे। जी, आप टीवी प्रोग्राम देखते रहिए, आपको लास्ट में मेरा सारा डिटेल मिलेगा, अकाउंट नंबर सारा मिलेगा, और आपको मैं निवेदन करूंगा आप हमसे दिखाएं, किसी से दिखाएं, हमें ये फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी किसी को नहीं कहता हूं कि मेरे पास में आए, हाँ जब किसी का कोई मेजर केस मिलता है तो मेरे दिल से एक आवाज़ निकल जाती है कि काश वो व्यक्ति मिल जाए, आ जाता, और तब मैं आपको कभी कभी बोल देता हूं किसी को। नहीं तो इस कार्यक्रम में प्राय यही कहा जाता है किसी अच्छे ज्योतिष से मिलें। अब आप पर निर्भर करता है कि आपको अच्छे ज्योतिष कौन लगते हैं। मेरा सीधा फॉर्मूला है कि जो ज्योतिष आपके प्रॉब्लम को खुद बता दे वो आपको ठीक भी करेगा। इसीलिए ऐसे जगह कुंडली बनवाइए जो सटीक जानता हो और पूरी 24 कुंडली बनती हो। आगे बढ़िए। बिल्कुल, 24 कुंडलियां बनवाना बेहद जरूरी होता है। अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी आ रही है। जी सर, नाम बताएं अपना। मैं अरविंद है सर जी। कहाँ से बात कर रहे हैं अरविंद जी? भरतपुर राजस्थान से। डेट ऑफ बर्थ बताएं सर जल्दी से अपनी। 29/11/2002। 2002। टाइमिंग बताएं। सुबह 10:30 बजे। सुबह 10:30। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस भरतपुर राजस्थान जी। ये आपके बच्चे की है, किसकी है सर? हाँ मेरी बेटी की है सर जी। जी नाम क्या है बेटी का? प्राची गोयल। प्राची, इनकी जन्म कुंडली है सर आपके पास बनी हुई? नहीं मेरे पास नहीं है सर जी। अच्छा, बनवाई नहीं अभी तक आपने? हाँ जी, हाँ जी। लाइन पर रहिएगा अरविंद जी, सुनने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले अरविंद जी बच्चे की कुंडली बनवा लीजिए। 2002 का जन्म है, लगभग 18 साल उम्र हो रहा है। दिस इज अ डेंजरस एज, इस एज को बहुत खतरनाक एज कहा जाता है, और आपने कुंडली बनवाई नहीं है। मकर लग्न की कुंडली है, राशि बच्चे की कन्या राशि हो रहा है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि कुंडली में कुछ योग ऐसा होता है जो कि हाथ पकड़ के आदमी को करा देता है। जैसे कोई इंसान मर्डर भी नहीं करता है और मर्डर केस में फंस जाता है, कोई इंसान चोरी भी नहीं करता चोरी में फंस जाता है, गाड़ी चलाता भी नहीं है एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसी तरह आपकी बच्ची कुंडली में शुक्र मंगल एक साथ बैठा हुआ है, जो डायरेक्ट इंडिकेशन देता है कि ऐसे बच्चे बहुत सात्विक विचार के होते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन लड़के ने कोई लड़का ऐसे बच्चों को उल्टा पुल्टा समझा बुझा करके अपने ग्रिप में कर लेते हैं। शुक्र मंगल का एक साथ में रहना बहुत ही खतरनाक माना जाए इस संबंध में। और मैंने अभी पहले क्या बोला था कि दैट इज द डेंजरस एज, बहुत खतरनाक एज होता है। बाद बाकी इस कुंडली में जो परिस्थिति बनता है, दो दो राजयोग बने हुए हैं, यदि ये चाहें ऐसे बच्चे तो बहुत टॉप का करियर बन सकता है। 99% गवर्नमेंट का योग बना हुआ है इसमें, गुरु भी इनके ऊंच के बैठे हुए हैं। मैनेज लाइफ बहुत सुंदर रहेगा, आगे भविष्य की बात मैं करता हूँ, बहुत टॉप का। लेकिन जो समस्या है हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनके पंचम घर से बन रखा है कालसर्प दोष, और कालसर्प दोष जो है इनको बेनिफिट देने वाला है, लाभ देने वाला, चूंकि राहु ऊंच के बैठे हुए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में ये कालसर्प दोष काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। राहु 15 डिग्री तक ऊंच के होते हैं इस कुंडली में, राहु जो है 14:50 में, अर्थात पूर्ण 15 डिग्री के आसपास में है, तो पूर्ण उच्च का राहु हो गया है। तो आप विश्वास करें, ऐसे बच्चे चाहें तो भविष्य में UPSC भी निकाल सकते हैं। UPSC है, PCS है, आराम से इनके लिए खिलौना हो जाएगा। बस आवश्यकता है इसकी कुंडली का निवारण करने का। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर समस्या क्यों हो रखा है आगे। तो आप दशमांश कुंडली के जाइए, दशमांश में केंदुम योग चतुर्विशांश में बना हुआ है,
चंद्र शनि का 20 दोष। तो परिस्थिति क्या करेगा, लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, और ऐसे बच्चे डालिमा में आ जाते हैं। तो पूरी 24 कुंडली बनवा करके इसका आप उपाय करवा लीजिए। वर्तमान दशा मंगल में केतु का जा रहा है, इसके अनुसार मई 22 तक इनके समय बिल्कुल रिवर्स जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा अरविंद जी आपकी बेटी के बारे में अभी गुरुजी ने बताया है, कहां तक सहमत है आपसे जाना चाहेंगे सर? आवाज आ रही है आपको अरविंद जी हमारी? चलिए सर, संपर्क इनसे हमारा टूट चुका। तो दर्शकों, लगातार नंबर आप सभी की टीवी में फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पे कॉल कर आप लोग हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। अमित जी, मैं आपको स्वास्थ्य रोकना चाहूंगा। जी गुरु जी, दर्शकों मैंने भी कुछ बता दिया इनके बारे में, तो एक्चुअली में क्या है कि मेरी आदत है, मैं किसी को छुपा के रखता नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे साथ ऐसी कई घटना घटी है, कभी लोग अहमदाबाद से कहीं से फ़ोन करते हैं, गुरु जी परिस्थिति है, मैं कहता हूं कि भाई थोड़ा सा संभाल के रखना, बच्चों को समझा देना ऐसी घटना, तो कोई कहेंगे गुरु जी मेरी बच्ची जो आज से 15 दिन पहले किसी लड़के के साथ निकल गई है। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे खराब नहीं होते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, किसी की शादी होती है, जैसी बारात लौट करके आती है घर में, आते आते घर में किसी का डेथ हो जाता है, लोग कहते हैं लड़की अपशगुन है। लड़की अपशगुन नहीं होता है, वो लड़की के कुंडली का ग्रह अपशगुन होते हैं। व्यक्ति कोई खराब नहीं होता, ग्रह का प्लैनेट का योग जो होता है वो हाथ धर के करा देता है। मैंने आपके परिवार ने पहले ही कहा है कि ऐसे बच्चे बहुत सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं, गलत चीज़ तो बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते, और ये रोते हुए कभी हंसा दे सकते हैं, और बिल्कुल टॉप कुंडली है इसको। आपको कहीं कन्फ्यूजन हुआ होगा तो सुबह में 9 से 10 मेरी डेली बात होती है 1 घंटे की, जिनका टीवी पर नहीं लगता है, नंबर भी टीवी पर आपको आता है 9430390373। आपसे मैं निवेदन करूंगा, कल आप हमको 9 बजे अवश्य फ़ोन करें, आपको मैं विशेष डिटेल बताऊंगा। और अब विश्वास रखें दर्शकों, यदि माता रानी ने कुछ मुझे दिया है तो मैं पूरी ऑनेस्टी से ईमानदारी से मैं चाहता हूं कि आपको अपने अनुभव का मैं आपको लाभ दूं। बिल्कुल, तो जिन दर्शकों अभी कॉल नहीं लग पाया वो सुबह 9 से 10 पे गुरु जी से बात कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरु जी आपसे इजाजत चाहेंगे, बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी, शिवरात्रि जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN00160090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।